हिमाचल की सुक्खू सरकार के एक साल पूरा होने पर धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में जश्न मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में एक तरफ जहां विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा, वहीं गारंटियों को लेकर भी सरकार ने खुलकर बात रखी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले साल बजट में 3 गारंटियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को 1500 रुपए देने के मामले को लेकर भी घोषणा की। क्या बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुने विस्तार से। दान के रूप में देंगे, अभी इंतजार करिए, अभी इसमें और पैकेज आने वाला है। आज इस मंच के माध्यम से मैं लियोनॉर्थ स्पीति में ये पूरे जिले में 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को प्रथम चरण में 1500 रुपए देने की घोषणा करता हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सभी जिलों में लागू होगी ये गारंटी योजना, लेकिन जो आर्थिक बदहाली बीजेपी ने कर रखी है हमें उसको धीरे धीरे ठीक करना है। अगले वर्ष भी हम 3 गारंटियां अपने बजट में लाने जा रहे हैं और इसके अलावा 2,37,000 महिलाएं जिन्हें अभी 1100 रुपया पेंशन मिलती है उनको हम अगले साल से 1500 रुपया पूरे हिमाचल प्रदेश में उसको 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की बात कर रहे हैं। हिमाचल में अब किसानों से खरीदे जाने वाले दूध में 6 रुपए की बढ़ोतरी होगी। अब किसानों से 37 रुपए में दूध खरीदा जाएगा। पहले 31 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदा जाता था। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में की है। क्या कहना है सुखविंदर सिंह सुक्खू का, सुनिए। जो दूध पालक है उनसे सरकार 31 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदती है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जनवरी से जो 31 रुपए हमारी मिलक फेडरेशन बेचारे किसान से 31 रुपए लीटर दूध खरीद रही है उसमें 6 रुपए बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। जनवरी से 37 रुपए हम किलो प्रति वो दूध खरीदेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक योजना शुरू करने का भी ऐलान किया है। इसके तहत सरकार 6 कनाल जमीन के लिए प्रति माह 20,000 रुपए देगी और आने वाले समय में हम एक ऐसी सोलर योजना लाने जा रहे हैं। आप हमें 6 कनाल जगह दीजिए, 3 बीघा जगह दीजिए, हम आपको 20,000 रुपया पर मंथ हमारी सरकार देगी और 2,40,000 हमारी सरकार हर साल का देगी। वो ऐसी योजना हम युवाओं के लिए लाने जा रहे हैं। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।